कम बैक वंस अगेन टू व्लॉग्स विद रजनी। जय माता दी अंटराधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आज आपको मैं थोड़ी सी सही सी लग रही हूँगी ना, फेस की स्वेलिंग नहीं है आज फेस पर। और ये देखिए, इधर मैंने ये पहनी है चूड़ियाँ, ज़्यादा तो मैंने पहनी नहीं है, शायद पिछली व्लॉग में भी शायद आपने देखी होंगी। इनकी चमक थोड़ी सी कम हो गई है घर में काम धाम कर करके। कलर हाँ, अब पास से अच्छे से चमक रहा है। तो आज मेरे ख्याल से पांचवा या छठा नवरात्रा हो गया है। तो हम लोग अभी गए थे मार्केट, अपनी यहीं पास की मार्केट में। हम लोगों ने सोचा चलो कुछ, मतलब गए तो किसी और काम से थे, फिर सोचा कन्याओं के लिए भी कुछ ले लेते हैं। तो मैं लाई हूँ बॉक्सेस, पता तो मैं अब कई साल से बॉक्सेस ले आती हूँ। और मैंने कम से कम 5-6 दुकानों पर ट्राई किया है। बेटी को इच्छा थी, गर्ल्स के लिए छोटी छोटी बीट्स आती हैं, क्लिप्स आती हैं, लेकिन इस बार सभी की बड़ी बड़ी आइटम। पता है क्या, बच्चों के लिए इयररिंग्स, बच्चे इयररिंग पहनेंगे क्या, जो मतलब कन्याएं होती हैं, मुझे तो नहीं अच्छी लगी। और वो भी इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गोल में, इतनी बड़ी बड़ी, ये साइज़ बच्चों के लिए, बच्चों के लिए छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो फिर और तो मुझे कुछ मिला नहीं, मैं तो ये वाला ना बॉक्स लेके आई हूँ। बॉक्स में क्या होता है, फ़ायदा हो जाता है। एक तो आपको पता ही है न्यू हाउस है, पता नहीं यहाँ तो मुझे लड़कियाँ दिखती नहीं है, मतलब छोटी छोटी कन्याएं। हमारे दूसरे वाले घर के पास पास तो फिर भी थी, तो मे बी शायद मुझे घर ही भिजवाना पड़ेगा। तो इसमें भिजवाने में ना फ़ायदा हो जाता है, इसलिए मैं ले आई हूँ। और अपने दोनों बच्चों के लिए भी मैं अभी ले आई हूँ। उधर पड़ी हुई है बेडशीट, क्योंकि मैं दिन में लेटी थी। तो जैसे आप लोगों को पता ही है मेरी चल रही है दवाई, उससे मुझे आती है नींद। तो मैं दिन में गई थी लेट वो करके। बच्चों ने, बच्चों के लिए भी अष्टमी का ले आई हूँ। दोनों ने पॉकेट जो परफ्यूम या डियो क्या है, ये दोनों के लिए वो ले आई हूँ। तो मतलब मेरी अष्टमी की शॉपिंग हो चुकी है। आप लोगों की हुई या नहीं बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। 3 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं गया है, और मेरा जो इम्प्रेशन है यहाँ था, यहाँ तो यहाँ आ गया। इम्प्रेशन इतनी जल्दी घटाते हैं लोग, कोई बात नहीं, फिर यहाँ पर चढ़ा लेंगे ना, ठीक है? तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करती हूँ। पूजा वूजा करके मैंने चेंज कर लिया, और पीछे मैंने चलाए हुए अपने महाराज जी के भजन। बहुत ही प्यारा भजन है, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको कुछ सेकंड का सुनवाया है। और अभी बस चलते हैं किचन में, शाम का रूटीन जो होता है वही खाना वाना बनाने के लिए। इधर खाना पीना मैं बना लिया है, अभी खाया नहीं है, इकट्ठा ही लगा करके ले आई हूँ। और बेटी यहाँ बैठ चुकी है, और ये देखिए इधर यहाँ सबका खाना रखा हुआ है। बेटा अभी मैंने बाहर भेजा है। मेरी थायराइड की दवाई ख़त्म हो गई थी, वो आनी थी। एक दिन ना लो तो फिर थोड़ा रूटीन सा बिगड़ जाता है। वैसे इसको अगर एक दिन छूट जाए ना, तो कहते हैं कि तीसरे दिन 2 गोली एक साथ हम ले सकते हैं, डबल डोज। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो मैं मंगा लेती हूँ। तो लेने गया है खाना, वो थोड़ा ठंडा करके खाता है। और मैंने सोचा अपना व्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ, और आप लोगों को भी बुला लेती हूँ कि आप लोग भी आइए और फास्ट खो लीजिए। थकान से हो रही है, 5 मिनट बाद अभी खाना शुरू करती हूँ। 2-1 मिनट बाद, और अब चलाऊँगी टीवी, टीवी देखते हुए हम लोग खाएँगे। गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे, जय माता दी। अभी हो चुकी है नई सुबह, वॉक कर ली करके मैं आ चुकी थी बहुत देर पहले। अभी बज रहा 7:45, बेटे को स्कूल भेज चुकी हूँ। बेटा स्कूल जा चुका है, जिसका लास्ट एग्ज़ाम है। और धूप निकल तो रही है, ये देखिए धूप निकल तो रही है। इस वाले रूम में आती है, सारे में तो आती नहीं, बैठने लायक आती नहीं है। रोज़ तो मैं कर्टन हटा लेती हूँ, आज मैंने हटाया नहीं है। ठंड थोड़ी सी होने लगी है क्योंकि अब, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ अनुपमा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है, अभी बजा है, टाइम हुआ है 9:30 का, 9:45 होने वाले हैं। पूजा मेरी इधर हो चुकी है सब अच्छे से। बेटी भी आज, उसको जल्दी जाना था तो मैंने भी जल्दी नहा के फिर पूजा कर लिया, वो भी पूजा करके गई है। बेटा गया हुआ है सुबह ही, मैंने आपको बताई दिया, वो अपना एग्ज़ाम देने गया। बेटी को जाना था कॉलेज, थोड़ा लेट आ गया, सो बना बनू करके भी दिया, मतलब भोग वोग भी लग गया, सब कुछ हो गया। अभी फिलहाल दूध लाई हूँ, दूध ला करके उबलना रखा है, और यहाँ पर ना इचिंग होने लगी है मुझे। तो अभी
हेयर वॉश किया था गीले, अभी कॉम नहीं किया, कॉम करूँगी। और अभी मैं हूँ फ्री, बिल्कुल फ्री, तो मैं अपना कुछ यूट्यूब का कर लेती हूँ, वीडियो वगैरह एडिट करनी है मुझे दो तीन, तो वो करती हूँ। और कॉफ़ी बना लेते हैं, आधा कप पीते हैं। चलिए आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ पर मेरी कॉफ़ी भी बन चुकी है, चीनी मैंने डाली नहीं है इसमें, तो आधा कप पीती है कॉफ़ी अभी, क्योंकि थी सुबह सुबह मुझसे कुछ और पिया नहीं जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं खाया पिया जाता है। सुबह भूख तो लगती है लेकिन कभी कभी खा लेते हो, किसी दिन कल खा लिया था, आज मेरी इच्छा नहीं हुई। तो अभी चलते हैं अंदर। वहाँ पीछे चले हुए हैं लखा के भजन, मैं म्यूट कर देती हूँ। मैंने कर दिया है म्यूट क्योंकि फिर आ जाएगा कॉपीराइट। और ये देखिए, ये रोज़ का काम हो रहा है, पता नहीं छेद फिर से बड़ा हो रहा है शायद, इसको मैंने स्टिच कराया था, दोबारा से छिदवाया हुआ है ये, कि पता नहीं फिर से बड़ा हो रहा है क्या। चलो बाद में देखती हूँ, अभी मैं इंजॉय करती हूँ अपनी कॉफ़ी, और भजन बंद करके मैं कुछ देखती भी हूँ। तो अभी इस व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, मुझे लग रहा है फिर व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, कल शाम से शुरू कर रखा है, तो इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ, देखती हूँ शायद नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू कर लूँ, क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम है, तो मे बी मैं आज एक व्लॉग और शूट कर लूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा, और चाहे तो सब्सक्राइब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कुछ नहीं लगेगा, मेरे सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे, मेरा रीच अच्छा हो जाएगा और मेरे कुछ व्यूज़ ठीक ठाक आ जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक से और कुछ नहीं, मुझे मोटिवेशन मिलती है, बाकी लाइक का ऐसा और कुछ नहीं है कि कुछ और फ़ायदा होता है, तो लाइक अभी कर दीजिए फटाफट, मैं रुकी हुई हूँ। कर दिया, चलिए थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।